नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय वसई विहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है। दरअसल दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में इस समय काफी रस्साकशी और तनातनी दिखाई दे रही है। मामला है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के बीच का। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मनसे के नेताओं ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता के ऊपर उसके कार्यालय में घुसकर हमला किया और उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पिछले दिनों 21 अप्रैल को शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा मोर्चा वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी कार्यालय पर निकाला था। उस समय वहां प्रभाग समिति जी कार्यालय के मोर्चे के समय शिवसेना नेता ने कुछ ऐसा वक्तव्य वहां पर बोला जिसको लेकर यह पूरा मामला गरमाया। शिवसेना नेता ने कुछ टोन कसते हुए महानगर पालिका अधिकारी को यह कहा कि आप हमको क्यों अंदर नहीं ले रहे हैं और बाकी पार्टी के नेताओं को जो स्टंटबाजी करते हैं ऐसा उनको आप अंदर लेते हो, उनकी बात सुनते हो, हमको क्यों अंदर नहीं ले रहे हो। इस तरह से कुछ टोन कसते हुए उन्होंने कुछ बोला। वो बात थी 21 अप्रैल की। जैसे ये बात जिस तरह से फैली और मनसे तक पहुंची तो मनसे को लगा कि ये टोन जो है उनके नेता के खिलाफ है और इसी बात पर मनसे के लोग गुस्सा गए। मनसे के वसई पदाधिकारी और वसई के पूर्व नगर सेवक रह चुके प्रवीण भोईर, शिवसेना पदाधिकारी अनिल चौहान के कार्यालय पे गए। वहां जाने के बाद आपस में लोग बातचीत करने लगे और उसी बातचीत के दौरान नौबत मारामारी की आई, जो आप वीडियो में देख सकते हो। अनिल चौहान ने कई आरोप लगाए कि इन्होंने सीधे आकर मारपीट शुरू की, ऐसे भी आरोप अनिल चौहान ने लगाए हैं। और उसके बाद में मामला गया पुलिस स्टेशन। कल रात की यह घटना है। रात के समय में दोनों ही पक्षों की तरफ से कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। बाद में पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर मनसे के चार नेताओं को नामजद किया और 10 अन्य जिनका नाम नहीं लिखा गया है, ऐसे 14 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। इस मामले पर शिवसेना के नेताओं ने क्या कुछ कहा एफआईआर दर्ज होने के समय और दर्ज होने के बाद, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। शिवसेना नेता श्रीश चौहान ने भी कुछ वक्तव्य दिया। अनिल चौहान जिनके साथ ये घटना घटी उन्होंने भी अपना कुछ वक्तव्य दिया। और सा ठाकुर वेती जो कि वो वहां मौजूद थी और जिनके साथ भी मनसे नेताओं ने अभद्रता की, गाली गलौज की, ऐसा आरोप लगाया गया, उन्होंने भी अपना वक्तव्य कुछ मीडिया को दिया। सुने इन तीनों को क्या कुछ कहना है। इस मामले पर हमने मनसे नेता प्रवीण भोईर से बात करने की कोशिश की तो मनसे नेता फिलहाल व्यस्त थे, उनसे बात हो नहीं सकी। और आगे जब अगर मौका मिलेगा तो हम मनसे नेता से भी इस मामले में जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही। देखिए इस पूरी घटना का ये फुटेज और सुनिए शिवसेना नेताओं के बयान। नमस्कार। प्रवीण भोईर ने साफ तौर पे कहा है कि वहां पर वो सिर्फ आपसे वार्तालाप करने आए थे। उन्होंने कहा कोई तोड़फोड़ नहीं की है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वसई विरार में है ना, ये जो दहशत मची हुई है कि कायदा कानून पे कोई भी बात ना करते, भरोसा ना रखते हुए सीधा आके दहशत करना, किसी के ऑफिस में आके तोड़फोड़ करना, चर्चा के लिए 25-25 30-30 लोगों को लेके आना, ये कौन सी चर्चा होती है? और आते ही सीधा गाली गलौज करके गला पकड़ना, महिला को धक्का मारना, महिला को गाली देना, कुर्सी तोड़ना, उसके साथ आए हुए जो गुंडे हैं उन्होंने तोड़फोड़ करना, ऑफिस में पूरा सिस्टम को तहस नहस करना, ये तो मेरे भाई ने पुलिस को बुला 112 पे कॉल करके, पुलिस आई खुद, पीआई जो यहाँ के वल्वी है वो खुद आए, एक पीआई नरोटे करके आए, दो हेड कांस्टेबल आए, चार्ज
5 पुलिस आई, उनके सामने सब ये हो रहा था, वो भी 5 मिनट में पहुंची, उनके सामने ये हो रहा था। अगर मैं झूठ बोलूँ तो यहाँ के पुलिस झूठ नहीं बोलेगी। उन्होंने सारे सबको बाहर निकाला, उनके सामने गाली गलौज, मुझे मारने की धमकी। मैं इतना ही कहता हूँ, वसई विरार में एक पक्ष मन से ऐसा हो रहा है कि उनको ना कायदे पे ये अपना उनको भरोसा है, ना कानून पे भरोसा है, सिर्फ अपनी दहशत मचानी है। लेकिन हम लोकशाही मानने वाले लोग हैं, हम लोकशाही मार्ग से उसका विरोध करेंगे। कल से मैं लोकशाही के लिए सड़क पे उतरूंगा और लोकशाही और कायदा कानून बचाने के लिए एक कल से बहुत बड़ा संघर्ष और आंदोलन में अकेला खड़ा करूंगा। मेरे साथ मेरे सारे शिवसैनिक रहेंगे, मेरे साथ मेरे सारे दोस्त रहेंगे, सब मेरे सपोर्ट में रहेंगे। और उनका कहना है कि आपने निराधार आरोप लगाया। क्या निराधार आरोप लगाया, वो कानून है, कोर्ट है। अगर मैंने आरोप लगाया है, मेरे खिलाफ आप मुकदमा दायर करो, आप मेरे खिलाफ मानहानि का दावा दायर करो, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। ये वकील है, ये कानून है, ये न्यायालय है, ये जज है कि ये मेरे से जवाब मांगते हैं कि 20 लाख का जवाब दो। मैं कहता हूँ तू, मैंने उनको कहा कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में मैं जवाब दूंगा। आप कोर्ट नहीं हो और कोर्ट से बड़े नहीं हो और कानून से भी बड़े नहीं हो। ये जो दहशत मची हुई है ना वसई विरार में, एक महिला को गाली गलौज करना, धक्का मारना, जिस महिला के घर में आप पल बढ़ के बड़े हुए हो उसको अनाप शनाप बोलना, और ये कौन सी पद्धत है, इसके ऑफिस में जाके इस तरह से बातचीत करना, ये मैं कहता हूँ हम लोकशाही मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं लोकशाही बचाने के लिए, कायदा कानून के लिए, इसके आगे भी संघर्ष करेंगे। और मैं कल से इसी पे कायदा कानून के लिए ही कल से उपोषण अनशन जो मेरे से बनेगा मैं कल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है। पुलिस की तरफ से क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जो मैंने जो धाराएं मांगी थी वो पुलिस ने नहीं दी है, उसके लिए भी मैं उपोषण में बैठने वाला हूँ डीसीपी ऑफिस के बाद। अभी फिलहाल किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी आपको एफआईआर की कॉपी आने के बाद मैं बता सकता हूँ कि किन किन धाराओं पे उन्होंने अभी एफआईआर की कॉपी दी नहीं है, लेकिन जब एफआईआर का कॉपी आएगा तो सारी धाराएं आपको मालूम पड़ेंगी। ये एक लोकशाही को मतलब ललकारने की कोशिश की गई, धिक्कारने की कोशिश की गई। आज हम लोग सामान्य गौर गरीब लोगों के लिए झगड़ रहे थे, हम लोगों ने 500 से 600 महिलाओं का मोर्चा निकाला। उस मोर्चा के दौरान कुछ ऐसी वैसी बातें हुई अगर उनके नेताओं के खिलाफ, तो उन्होंने कायदा से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। संविधान ने ये अधिकार दिया है हमें कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन दो। ये शंड है, शंड है जो आके 30-40 लोग आके सिर्फ 4 लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम लोग बैठे थे, हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे उसमें काफी सारे मनसे के अधिकारी थे। कार्यालय में कौन-कौन थे? मैं जब वहाँ पे पहुंची तो कुछ पदाधिकारी आके नाला सोपार के, जिनको मैं नहीं जानती, वो बैठे हुए थे, उनकी चर्चा चल रही थी, तो मैं भी उस चर्चा में शामिल हुई। हम लोग एक अच्छे से चर्चा कर रहे थे, उतनी देर में प्रवीण भोयर की एंट्री हुई। प्रवीण भोयर ने डायरेक्ट भड़व्या करके शुरू की, भड़वे आमचंद ने तला शिविर दे, तो ये कौन सी बात है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुलझाओ। और उन्होंने इनका गला दबाया, मैंने खींचा और मैं आगे हूँ, तो गाली गलौज सभी साइड से, उनके तरफ से गाली गलौज मुझे हुआ। आज प्रवीण भोईर को मेरे पापा वसंत वैद्य, उनके वजह से ये प्रवीण भोईर बड़ा हुआ है। और अगर तुम्हारी मनमानी तानाशाही ऐसे चलती रहेगी ना, उसका जवाब मैं एक महिला खड़ी रहूँगी। ये गलत है। हम लोग सामान्य लोगों की प्रश्न लेके यहाँ वहाँ पे खड़े हुए थे। अगर सच में आपको प्रॉब्लम है तो आप कायदे से मदद लीजिए, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आके शंडों की तरह 4 लोगों पे हमला किया जाए, 5-25 लोगों को लेके शंडों की तरह हमला किया जाए। इसका मैं धिक्कार करती हूँ, निषेध करती हूँ। इनका एक कार्यकर्ता आज भी खंडनी के गुना में अटका पड़ा है, उसके ऊपर केस हुए, वो जेल में पड़ा है, आपको जानते होंगे। यही परिस्थिति उनके साथ ना हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट खिलाफ हो रहे हैं। इनके अनधिकृत बांधकामों के ऊपर इनके पेट चलते हैं, ये लोग, ये एक और इनका ऐसा खंडनी का गुना ना हो, इसलिए हमारे ऊपर ये हल्ला किया गया है, ये मैं बोलना चाहूँगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हम लोग उगारेंगे, क्योंकि उनका एक कार्यकर्ता तो खंडनी के अंदर गया है। कंस्ट्रक्शन इनके काफी इलीगल चल रहे हैं, और उनको यही डर है कि कोई उसके ऊपर कुछ कर ना दे, इसलिए आके शंडों की तरह, मैं शंड ही बोलूँ, शंडों की तरह आके एक हमला किया है। 4 लोग, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करने की पहले कोशिश की कि 1-to-1 बात करें, आप और ये बैठे हम लोग सब बाहर चले, तो नहीं, गाली गलौज जो हुआ है वो सुनने लायक भी नहीं था। ये कुछ प्रकार नहीं है, ये लोकशाही है, और हम यहाँ से लोकशाही से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कानून से उम्मीद करते हैं कि हमें सही
इंसाफ मिले, लेकिन ये लोग भी प्रॉपर कलम नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे मुझे नहीं मालूम। जब इंसान सही रहता है तो आँख से आँख मिलाता है, ये पुलिस मेरे आँख से आँख क्यों नहीं मिला रही है ये मुझे जानना है। ये जो कलम लगने चाहिए वे क्यों नहीं लग रहे, क्या इनमें कमी है? नहीं, आपका ये कहना है कि इस मामले में पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। नहीं निभा पा रही है, जो कलम लगने चाहिए, क्योंकि मैं साक्षीदार हूँ इनका। जब गला दबाए तो इनको मैंने खींचा था और मैं आगे हुई थी, ये मैंने ये किया है, तो कलम क्यों नहीं लग रहे वहाँ पे? ये लगने चाहिए, ये क्यों नहीं लग रहे, ये मेरा सवाल है। वो ये जो जो चल रहा है, ये हल्ले जो हो रहे, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही जो बढ़ रही है, कब रुकेगी? मैं सब सामान्य जनता से पूछना चाहूंगी, क्या हम लोग आपके लिए खड़े हो रहे? ये गलत है, ये गलत है। आपके सवाल लेके हम लोग खड़े हो रहे, पानी का प्रश्न है, पानी की समस्या, वो लेके खड़े होना गलत है। अगर उसमें कुछ गलत सलत हो जाता है तो आपके लिए कोर्ट है, कायदा है, संविधान है। संविधान ने अधिकार दिया है, हर एक को अधिकार दिया है। आज बाबा साहेब की अंबेडकर की जयंती हो रही है और आज महिलाओं के ऊपर, हमारे ऊपर अन्याय हो रहे, ये कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है? बस यही पे रुकना चाहिए। इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से किस तरह के सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देने? अगर मनसे वाले ऐसा दिन दहाड़े शिवसेना के कार्यालय पर हमला करते हैं तो मेरा इनको इशारा है कि आप लोग ऐसा कमजोर मत समझो। शिवसेना के विधायक गए लेकिन शिवसेना एक जगह पे है, इसलिए कभी भी शिवसैनिक बदलाव उसका जरूर लेंगे। और दूसरी बात, ये पुलिस वालों को मेरा कहना है कि जब मंत्री का कार्यक्रम था तब काले झंडा बता के जो कार्यकर्ता को इनके पकड़े थे, तभी ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने वो गाली गलौज किया करके ऑफिसर को जवाब जिम्मेदार पकड़ के उनकी बदली या उनको सस्पेंड करना चाहिए करके मांग राजेंद्र कांबळे की कर रहे थे। तभी मैंने इशारा दिया था कि कांबळे ने कोई गलत की नहीं किया, मिनिस्टर का प्रोग्राम उखाड़ने के लिए इन्होंने कोशिश की, उनको बंदोबस्त उन्होंने बराबर किया था और इसलिए वो उसके पीछे हम खड़े रहे, इसलिए उसका ट्रांसफर भी नहीं हुआ, उल्टा 2 साल और उनको काम करने के लिए मिला। इसलिए मेरा CP साहब को विनंती है कि जो अभी ये गुंडागर्दी और दादागिरी मिंदे के ऊपर चल रही है और मिंदे का उनको साथ होगा तो ही पुलिस वाले इतना कानूनी उनके सामने अगर हादसा होता है तो कलम उनका उतना लगना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाला गुना दाखिल होना चाहिए और उनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, यह हमारी मांग है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786